नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो कॉन्सेप्ट आ चुका है यहाँ पर 14वें नंबर का कॉन्सेप्ट है राजस्थान की कला एवं संस्कृति, और जो एग्जाम आने वाली है आपकी 27 और 28 दिसंबर को राजस्थान ग्राम सेवक की एग्जाम आने वाली है, जिसमें उसका जो सिलेबस है इसमें देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आज के जो वीडियो में जो कौन कौन से कॉन्सेप्ट कवर होने वाले हैं, टाइम बहुत कम बचा हुआ है तो ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम बहुत जल्द इस कोर्स को कवर करना चाहते हैं, तो देखिएगा राजस्थान की संगीत नृत्य और रंगशाला आपकी कंप्लीट की जाएगी दोस्तों यहां पर आपके सिलेबस के तहत। टोटल प्रश्नों की संख्या है यहां पर 130 प्रश्न आपको अटेंड करने हैं और पूरे आपको याद करने हैं, और प्लीज आपको बताना होगा इसमें तीन कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएंगे, राजस्थान के लोक संगीत नृत्य और नाटक, यानी कि नाटक में जो नाट्यशाला है यहां पर वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो प्लीज बताना कि आपने किस कॉन्सेप्ट में कितने प्रश्न सही किए हैं, तो तैयार हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए। मैं प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपको कवर करवा रहा हूं। अब तक हमने आपके कोर्स के तहत ये प्लेलिस्ट बना दी गई है दोस्तों यहां पर चैनल पे, अब तक हमने ये कोर्स कवर कर दिया है, यानी कि कोर्स का 30% हिस्सा हमने कवर कर लिया है। तो देखिएगा आज का हो जाएंगे यहां पर राजस्थान के, ये 15वें नंबर का कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहां पर राजस्थान की संगीत नृत्य और रंगशाला, जो कि आपके सिलेबस में ऊपर दे रखी है, तो तैयार है ना दोस्तों यहां पर, और प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना यहां पर। तो देखिएगा सबसे पहले तो हम उन प्रश्नों की बात कर लेते हैं जो कि 2016 की एग्जाम में आपसे पूछे गए थे राजस्थान ग्राम सेवक की एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान में बम नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने लगभग ये पांच एग्जामों में ये क्वेश्चन अब तक पूछ लिया है दोस्तों यहां पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भरतपुर और यहां पर अलवर जिलों में यह बम नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देखिएगा 2016 में पूछा गया था, यह पूछा गया था नाट्यशाला से, नाट्यों से पूछा गया था, नाटकों से पूछा गया था, रंगशाला से पूछा गया था। तो देखिएगा राजस्थान में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के शासनकाल में शुरू की गई थी, ऑप्शन आपके सामने है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में इस थिएटर की स्थापना की गई थी, और इस थिएटर की स्थापना की गई थी 1878 में इसकी स्थापना की थी सबसे पहले, यह फारसी थिएटर था दोस्तों यहां पर, जो कि राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में इसकी स्थापना की थी, किसने की थी, महाराजा राम सिंह ने की थी, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अब यहां पर थिएटर था उसके संबंध में स्थापना कब की थी, तो देखिएगा इसकी जो स्थापना राजस्थान में प्रथम फारसी थिएटर रंगमंच की स्थापना की थी। अब ये रंगमंच कौन सा था, ये वही रंगमंच था जो कि 2016 की एग्जाम में पूछा था, कौन सा, प्रकाश थिएटर। अब ये क्या होता है, देखिएगा आपके जो सिलेबस में है वो रंगशाला ऑप्शन दे रखा है यहां पर, तो रंगशाला में जो भी लोक नाट्य है, तमाशा है, वो चीज आ जाएंगी दोस्तों यहां पर, वो चीज आपको पढ़नी है यहां पर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1878, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, चरी नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है बताइएगा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गुजर जाति की महिलाओं का प्रमुख नृत्य है, ऑप्शन सी सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी लगभग 5 से 6 एग्जाम में पूछ लिया है अब तक। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, राजस्थान का वह नृत्य जिसने भारत में अपनी पहचान बनाई है, कौन सा नृत्य है बताइएगा, राजस्थान का सिरमौर, राजस्थान का पहचान, राजस्थान की आन वान और शान, राजस्थान का घूमर नृत्य, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, रायण नृत्य किस जाति का है, ये रायण जो नृत्य है वो किस जाति के द्वारा किया जाता है, इसका सही आंसर, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर देखते ही टिक कीजिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गरासिया, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तलवारों की गैर के आयोजन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है बताइएगा, आपने गैर नृत्य का नाम तो सुना होगा, ये दक्षिणी राजस्थान में किया जाता है, लेकिन आपको ये जो तलवारों से गैर नृत्य किया जाता है वो किस जिले में किया जाता है बताइएगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदयपुर में किया जाता है। अगला देखिएगा यहां पर, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है, ऑप्शन है कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या फिर कथकली,
आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कत्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है, बताइएगा गैर, घूमर, नेजा या फिर डांडिया। आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जो गैर नृत्य है ये यहां पर किया जाता है होली पर भीलों के द्वारा किया जाता है। देखिएगा भीलों के लोक नाट आपको याद करने हैं गैर, गबरी, नेजा, द्वे चक्री, हाथी मणा, ये सभी यहां पर भीलों के नृत्य है। अगला देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर प्रसिद्ध ढोल नृत्य राजस्थान के किस जिले में होता है, ढोल नृत्य कहां होता है। देखिएगा ये ढोल नृत्य और बम नृत्य दोनों में से अक्सर पूछता है एग्जामिनर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ढोल किया जाता है जालौर में और बम किया जाता है अलवर भरतपुर में किया जाता है बम नृत्य, दोनों ही एक जैसे है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छिद्रक मटके में दीपक जलाते रहते हैं इस किस नृत्य की एक विशेषता है, बताइएगा तो आपका आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा घुड़ला नृत्य, बिल्कुल सही है। और घुड़ला नृत्य कहाँ किया जाता है, घुड़ला नृत्य किया जाता है मारवाड़ में किया जाता है घुड़ला नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक युगल नृत्य है, बताइएगा। अब युगल नृत्य किसको कहा जाता है जो कि पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर उस नृत्य को करते हैं, उसको युगल नृत्य के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पणिहारी साकरिया, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से डी, यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है, बताइएगा। आरपीएससी में लगभग 2 से 3 एग्जाम में पूछ लिया है ये, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर जयपुर हो जाएगा। कभी इसका प्रबंधक पूछ लिया जाता है, राजघराना पूछ लिया जाता है, राजस्थान राज्य पूछ लिया जाता है, ये तीनों क्वेश्चन यहां से बन के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंडोनी नृत्य किस वर्ग से संबंधित है, तो इंडोनी जो नृत्य है आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कालवेलिया जाति का ये प्रमुख नृत्य है यहां पर इंडोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाटक कौन सा है, यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा ये गबरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गबरी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पत्थरों की राड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, पहली बार सुना होगा आपने ये पत्थरों की राड़ नृत्य, तो आपको तो सब याद रखने हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र के ये लोक नृत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, बताइएगा मेवाड़, मारवाड़, बागड़ या फिर सिखावाटी। आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर मारवाड़, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मारवाड़ में किया जाता है डांडिया, और वैसे अगर राज्य की पूछे तो गुजरात राज्य का ये प्रमुख नृत्य हो जाएगा डांडिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ढोला मारू लोक गीत है, बताना होगा सही आंसर कहां का है ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरोही का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौकड़िया क्या है, बताएगा ये चौकड़िया क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट हो जाएगा ये चौकड़िया, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में लोक नाट की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है, ख्याल, नौटंकी, रम्मत या फिर रामलीला। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ख्याल होते हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डूंगरपुर जिले में डामोर जनजाति के स्त्री पुरुष यहां पर शोक दूर करने के लिए कौन सा नृत्य होली के समय करते हैं, बताइएगा, यानी कि दुख को दूर करने के लिए, तो आपका सही आंसर हो जाएगा खली नृत्य को किया, खली नृत्य करते हैं यहां पर, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर चक्री में धाकड़ नृत्य किससे संबंधित है, भाई चक्री में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कंजरों से संबंधित है ऑप्शन। अब ये कंजर जाति कहां रहती है, मैं आपको जनजाति जब मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, यहां पर इस टॉपिक में है आपके सिलेबस में है राजस्थान की जनजाति, तो मैं आपको वहां पर क्लियर करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का वह संगीतज्ञ जिसके विषय में किंवदंतियों के अनुसार एक राग से पत्थर को पिघला दिया था, बताना होगा, ये लिखा जाता है किंवदंतियों में मिलता है, कहानियों में मिलता है कि भाई ऐसा कौन सा संगीतकार था राजस्थान का जो कि यहां पर अपने राग संगीत से पत्थर को पिघला देता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरि सिंह हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा नृत्य मटका नृत्य कहलाता है, बताएगा
मटका नृत्य कहलाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भवई। जो नृत्य होता है उसको मटका नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस क्षेत्र में गीदड़ नृत्य किया जाता है, कहाँ किया जाता है गीदड़ नृत्य? तो देखिएगा जो गीदड़ नृत्य है वो सिकावाटी क्षेत्र की पहचान है। आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान पुलिस में पूछ लिया गया है 2018 के एग्जाम में, 1998 के एग्जाम में पूछ लिया गया है, एक बार RAS के एग्जाम में पूछ लिया गया है, कर्मचारी चयन आयोग में 3 एग्जाम में पूछ लिया है। दोस्तों यहां पर तो इस टाइप के जो अधिकतर एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको आपको याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम बताएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गीदड़ हो जाएगा। गीदड़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राजस्थान में बालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो बालर नृत्य पहचान है यहां पर गरासियों की, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, झामेटिया और खड़किया किस लोक नृत्य के पात्र है? और ये सॉरी यहां पर लोक नृत्य मानो या फिर उसको लोक नाट्य मान लो, ये जो गबरी है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके दो पात्र होता है, एक तो मेन कलाकार होता है, एक यहां पर जो नकली का रोल करता है वो खड़किया होता है यहां पर। अगला देखिए, यहां पर अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? तो आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अग्नि जो नृत्य करते हैं वो जसनाथ जी संप्रदाय के लोग करते हैं, बीकानेर से संबंधित है ये। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों का नहीं है, बताएगा घूमर नेजा पनिहारी गैर? तो यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो पणिहारी है ये यहां पर कालवेलिया जनजाति का है पणिहारी। घूमर आपको पता है भीलों का मीणों का है, और यहां पर नेजा भी है भीलों का है, गैर है वो भी भीलों का है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका पणिहारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर गैर नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो गैर नृत्य किया जाता है यहां पर भील जनजाति के लोग इस नृत्य को करते हैं। अगला देखिए, यहां पर जालौर क्षेत्र कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो अभी मैंने आपको बताया था जालौर में किया जाता है ढोल नृत्य किया जाता है जालौर में, ऑप्शन आपका करेक्ट है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस संप्रदाय के अनुयायी अंगारों पर नृत्य करते हैं, बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जसनाती, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भबाई नृत्य किस संभाग का नृत्य है? अब देखिएगा यहां पर संभाग आपसे पूछ लिया जाता है, जिला आपसे पूछ लिया जाता है, तो बताएगा इसका सही आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर संभाग में किया जाता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर राजसमंद प्रतापगढ़ इन जिलों में ये नृत्य किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर घूमर नृत्य नेजा वे गौरी राजस्थान की किस जनजातियों का लोक नृत्य है? ऑप्शन है भील, बी ऑप्शन है सहरिया गरासिया साची, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये भीलों का है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला देखिए, यहां पर किस त्योहार के अवसर पर घूमर नृत्य किया जाता है, बताएगा? तो घूमर किया जाता है तीज पर किया जाता है, होली पर भी किया जाता है, लेकिन होली पर कम किया जाता है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा तीज पर किया जाता है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित है, बताएगा? तो होली से संबंधित है वो गैर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भील समुदाय द्वारा निम्न में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गैर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी अब देखिएगा, यहां पर पूरे नृत्य में आपको कंप्लीट करवाऊंगा, पूरे लोकगीत नृत्य यहां पर और लोक नाट्य आपको कंप्लीट करवाऊंगा। आपको फायदा क्या होने वाला है इससे देखिएगा, आपकी जो ग्राम सेवक की एग्जाम है वो आपकी क्रैक हो जाएगी पूरी तरह से। राजस्थान पुलिस की अगर कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है वो यहां पर क्लियर हो जाएगी। अगर आप सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो वहां पर, उनके लिए भी यहां पर ये कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएंगे दोस्तों यहां पर। अगला देखिए, यहां पर फलकूबाई का संबंध है, बताइएगा? तो फलकूबाई का संबंध है चरी नृत्य से है, इसने अंतरराष्ट्रीय स्तर लेवल पर इस नृत्य को पहचान दिलाई है फलकूबाई। अगला देखिए, यहां पर भीलों के नृत्य गबरी नृत्य का आयोजन मुख्यतः होता है, कब होता है, बताइएगा? सावन में, भाद्र अश्विन में, फाल्गुन में, ज्येष्ठ वैशाख में। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भाद्रपद अश्विन में, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर
पणिहारी नृत्य किस राज्य का मुख्य आकर्षक है? पणिहारी नृत्य बताना होगा किस राज्य का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। किस नृत्य में स्त्रियों पुरुषों के कोड़े मारती है? तो ध्यान रखना थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना कोड़े है, ध्यान रखना ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये किया जाता है यानी कि जो नेजा जो नेजा होली पर किया जाता है उसमें यहाँ पर कोड़े मारे जाते हैं पुरुषों के, एक खेल के रूप में इस नृत्य को किया जाता है। अगला देखिए यहाँ पर, राजस्थान में मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? बताएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घूमर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, कालवेलिया लोगों का नृत्य है कौन सा है? कालवेलिया लोगों का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिएगा पणिहारी भी है, साकरिया भी है, बागड़िया भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों यहां पर, अगर यहां पर जो ये नृत्य है, नृत्य आपके कंप्लीट हो रहे हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भीलों का प्रसिद्ध लोक नाटक कौन सा है? बताएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गबरी हो जाएगा, ए ऑप्शन आप सभी का यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अलवर भरतपुर जिले में फागुन की मस्ती में नगाड़ों के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बताना होगा बम है, ढोल है, गीदड़ है या फिर तेरह ताली है, जो यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहां पर बम नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बालन नृत्य का संबंध है? बताइएगा, सांची से, चारणों से, भीलों से, गरासिया से, तो आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा बालन नृत्य किया जाता है, गरासियों का प्रमुख नृत्य हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? बताइएगा, तो आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा जो तमाशा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सबसे पहले जो तमाशा प्रारंभ हुए थे वो जयपुर रियासत में ही प्रारंभ हुए थे दोस्तों, यहां पर प्रताप सिंह के शासनकाल के समय, क्योंकि वो महाराष्ट्र से कुछ कलाकारों को लेकर आया था और यहां पर उसके बाद कलाकार यहां पर अपने कला प्रदर्शन लोक नाट का प्रदर्शन करते थे। उसके बाद 1878 में रंगमंच की स्थापना की थी इन लोगों के लिए, तो यहां पर इस तरह से नाटक तमाशा ख्याल रंबत और प्रचलित हुए थे दोस्तों यहां पर। अगला देखिए यहां पर, गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है कौन सी है? बताएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लूर नृत्य शैली, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको लोक जो वाद्य यंत्र है ना आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, लोक वाद्य यंत्र आपको नहीं पढ़ने हैं, केवल और केवल जो सिलेबस में दे रखा है उन पर ही फोकस रखिएगा दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, निम्न में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? बताइएगा, तो महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो चरी नृत्य किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैला देवी के मेले में निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? जोगणिया, लांगुरिया, तेरह ताली या फिर अग्नि नृत्य, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज है आप लोग, यहाँ पर जोगणिया किया जाता है या फिर लांगुरिया किया जाता है या फिर तेरह ताली किया जाता है या फिर अग्नि नृत्य किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा सभी अभ्यर्थी। तो यहां पर देखिएगा जो लांगुरिया है ये हो जाएगा, सॉरी ये जोगणिया आपका बिल्कुल ध्यान रखना ये थोड़ा सा गलत है, क्वेश्चन गलत है, यानी कि लांगुरिया नृत्य है, ध्यान रखना लांगुरिया नृत्य हो जाएगा और जोगणिया संगीत हो जाएगा। इन दोनों में अधिकतर अभ्यर्थी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं दोनों में, तो देखिएगा जो लांगुरिया है वो तो हो जाएगा यहां पर नृत्य हो जाएगा लांगुरिया, और जोगणिया हो जाएगा गीत हो जाएगा यहां पर कैला देवी में, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कर लेना और इसको ध्यान रखना जोगणिया हो जाएगा, ये चीज है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, गुलाबो किस क्षेत्र में विख्यात है? बताएगा, तो गुलाबो बाई हो जाएगी वो लोक नृत्य में विख्यात है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, जयपुर घराने के प्रथम प्रबंधक थे कौन थे जयपुर घराने के, तो इसका सही है ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भानु सिंह हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मुख्य रूप से अग्नि नृत्य किस जिले में किया जाता है?
तो अग्नि नृत्य किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीकानेर जिले में किया जाता है, जसनाथियों के द्वारा किया जाता है। अभी भी देखिएगा 77 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों। यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी यहाँ तक पहुंचे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। यहाँ पर पहली बार विजिट कर रहा है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, एक बार सब्सक्राइब कर लो। और बहुत खुशी की बात यह है कि आपके ऐप में अभी पूरा कोर्स, फ्री वाला कोर्स ऐड किया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यह है, बहुत ही जल्द आपका ऐप लॉन्च होने वाला है बिल्कुल, क्योंकि बहुत से जो यूट्यूबर है, बड़े बड़े यूट्यूबर है, वो आपको बड़े बड़े कोर्स को बड़े बड़े रूपों में प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर केवल केवल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के माध्यम से आपका ऐप लॉन्च होगा, और उसमें आपके लिए डेली फ्री में क्यूज प्रोवाइड कराए जाएंगे, प्रत्येक कॉन्सेप्ट की फ्री में क्यूज कराई जाएगी दोस्तों। यहाँ पर वहां पर आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐपों में क्या होता है, डेली क्यूज का ऑप्शन हटा दिया जाता है वहां पर, क्योंकि लड़कों को, अभ्यर्थियों को ये यहाँ पर किया जाता है कि अभ्यर्थियों को अगर डेली क्यूज नहीं मिलेगी तो वो अपना कोर्स खरीदेगा, कोर्स परचेज करेगा, तो इस वजह से उस क्यूज को वो डालते नहीं है। लेकिन हमने अपने ऐप में वो फंक्शन डाला है आप लोगों के लिए, तो तैयार रहना दोस्तों। यहाँ पर चैनल को जितने अभ्यर्थी जुड़े हुए सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। यहां पर आपके लिए बहुत जल्द आपका ऐप लॉन्च होने वाला है। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर राजस्थान का राजस्थान का कौन सा भाट बहरूपिया कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, तो बताना होगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जानकीलाल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर राजस्थान में तमाशा लोकनाट्य सर्वप्रथम जयपुर राज के किस शासक के काल में आरंभ हुआ था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह के समय, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कन्हैया ख्याल मुख्य रूप से किन जिलों में किए जाते हैं, बताइएगा कन्हैया ख्याल कहाँ किए जाते हैं, तो कन्हैया ख्याल किए जाते हैं सवाई माधोपुर, करौली और दौसा डिस्ट्रिक्ट में किए जाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध कुचामनी ख्याल किस जिले में किए जाते हैं, बताइएगा, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नागौर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर राजस्थान में कठपुतली लोकनाट्य नाटक किस जिले में किए जाते हैं, कठपुतली लोक नाटक बताना होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में किए जाते हैं, और सबसे ज्यादा कठपुतली कहाँ बनाई जाती है, ये उदयपुर में भी बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी गुलाबोबाई किस नृत्य से संबंधित है, बताएगा, तो सभी आंसर दे रहे हो यहाँ पर, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कालवेलिया जाति से नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर चिड़ावा सेकावाटी ख्याल के प्रबंधक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर नैनूराम चिड़ावा, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, लगभग 5 से 6 एग्जाम में अब तक ये पूछ लिया है दोस्तों। यहाँ पर अगला देखिए, यहाँ पर राजस्थान का लोक नृत्य जिसको नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घूमर लोक नृत्य हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर कालवेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी है, तो यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलाबो, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर निम्नलिखित में से नौटंकी चारकुला नृत्य रसिया नृत्य किस क्षेत्र के प्रसिद्ध है, बताना होगा, जो चारकुला है, नौटंकी है और नृत्य है रसिया है, ये कहां किए जाते हैं, राजस्थान के किस भाग में किए जाते हैं, तो आप सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पूर्वी राजस्थान में किए जाते हैं। नौटंकी वैसे तो पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में की जाती है, लेकिन आपको पता है उत्तर प्रदेश से सटे हुए राजस्थान के जिले अपना देखिएगा, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है और लगभग करौली जिले, माधोपुर, इनमें भी यहां पर नौटंकी की जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा भरतपुर और अलवर में की जाती है। राजस्थान की बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वी राजस्थान में किए जाते हैं ये। अगला देखिए, यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है, देखिएगा जो डांग नृत्य है कहां किया जाता है, बताएगा डांग नृत्य आपको पता है यहां पर राजसमंद में किया जाता है, बिल्कुल सही है, मछली नृत्य बाड़मेर में किया जाता है, बिल्कुल सही है, और ढोल नृत्य पूछा गया है 2000 यहां पर, देखिए बताना होगा सही आंसर क्या हो जाएगा। ढोल नृत्य आपको पता है जालौर में, मैंने बहुत बार एग्जाम में आपको बता दिया ये क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि ये सी ऑप्शन यहां पर गलत है, और लांगुरिया आपको पता है करौली में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर कुचामनी ख्याल के प्रबंधक है कौन है, कुचामनी ख्याल के प्रबंधक बताएगा, तो इसका सही आंसर हो जाए आंसर हो जाएगा लच्छीराम हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकावाटी चिड़ावा ख्याल के प्रबंधक किसे माना जाता है,
ऑप्शन है गोवर्धन मिश्र, गिरधारी लाल, बंसीधर या फिर नानूराम। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही है यानी कि नानूराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान में रंबत कहाँ की प्रसिद्ध है बताइएगा। ये एक लोक नाटक की तरह है ये रंबत। अब ये कहां की जाती है, कहां से चालू हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर से चालू हुई थी। बीकानेर और जैसलमेर डिस्ट्रिक्टों में ये सबसे ज्यादा की जाती है। जिस तरह से रंबत पश्चिमी राजस्थान के जिलों में की जाती है, उसी तरह से यहां पर रसिया है और नौटंकी है, ये पूर्वी राजस्थान के जिलों में की जाती है। अगला देखिए यहां पर नेक्स्ट है, राजस्थान में नौटंकी कहां की प्रसिद्ध है। तो सबसे ज्यादा जो नौटंकी की जाती है वो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली में की जाती है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, गबरी लोकनाट्य किसकी कथाओं पर आधारित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भस्मासुर की कथाओं पर आधारित हो जाएगी ये। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है भस्मासुर। अगर देखिएगा यहां पर थोड़ा सा इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है, भगवान शिव भी यहां पर सही हो जाएगा और भस्मासुर दोनों की कथाओं पर है यहां पर। अगला देखिएगा यहां पर, रंबत लोक नाटक का प्रचलन किस जिले में हुआ था। तो रंबत सबसे पहले प्रचलित हुई थी बीकानेर में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी 60 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहां पर, यानी कि 100% यहां से आपको पता है कि क्वेश्चन तो आने वाला है और आएंगे 130 क्वेश्चन है, उनको अगर आप याद कर लोगे तो यहां से आपका क्वेश्चन निकल के आएगा आपके एग्जाम में। एक एक प्रश्न को आपको याद करना होगा अगर सिलेक्शन पाना है, निकलना है उन 14 लाख स्टूडेंटों से। आपका टारगेट रखो कि हमें तो 14 लाख अभ्यर्थियों से आगे निकलना है किसी ना किसी कीमत पे। अब देखिएगा आपका जो कंपटीशन, आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा ये होगा कि भाई 14 लाख स्टूडेंट है, तैयारी करे या ना करे। अरे भाई तैयारी करो, ये कंपटीशन 14 लाख अभ्यर्थियों ने तो फॉर्म भरा है। आपका जो कंपटीशन है मात्र और मात्र 2.5 लाख अभ्यर्थियों में आपका कंपटीशन है यहां पर। अगला देखिए यहां पर, किशनगढ़ ख्याल का मुख्य कलाकार कौन है बताइएगा। इसका सही आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंसीधर शर्मा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। तो देखिएगा ये जो ख्याल दे रखे है आपके सामने है, तो कहां का जो ख्याल है देखिएगा, डप्पाली ख्याल। आपको पता है डप्पाली ख्याल कहां किया जाता है, अलवर में किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। कुचामनी ख्याल, कुचामन सिटी नागौर से फेमस है, ये बिल्कुल सही है। तुर्रा कलगी ख्याल चित्तौड़ में, ये भी बिल्कुल सही है। और कठपुतली, ये कठपुतली कोई ख्याल नहीं है, जयपुर से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर सही निकल के आ रहा है, यानी कि गलत जोड़ी की पहचान करनी है। अगला देखिए यहां पर, राजस्थान में बिंदौरी नृत्य कहां का प्रसिद्ध है। तो बिंदौरी नृत्य किया जाता है झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा नृत्य सामाजिक व धार्मिक लोक नृत्य के अंतर्गत आता है, कौन सा नृत्य है वो बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो गुडला नृत्य है मारवाड़ में किया जाता है, ये नृत्य सामाजिक और धार्मिक दृष्टि का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोर मोरनी नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, कहां किया जाता है बताएगा। तो मोर मोरनी जो नृत्य किया जाता है वो यहां पर ब्यावर में किया जाता है। ब्यावर कहां है, अजमेर में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, मोमल और महेंद्र की दंत कथाओं के लिए जैसलमेर का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है बताइएगा। कहां की थी ये मोमल, कहां की रहने वाली थी और किस क्षेत्र में रहती थी बताइएगा। इसका सही आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोदरमा में रहती थी। जैसलमेर में एक स्थान है लोदरमा, कांकणी नदी के तट पर दोस्तों यहां पर, वहां पर मोमल की मेड़ी स्थित है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, गुलाबो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है बताइएगा। ये बहुत बार एग्जाम में इसी यहां पर भी देखिएगा रिपीट हुआ है, तो ये आपके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गया होगा कि गुलाबो भाई किससे है, ये नृत्यों से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, भवाई नाट मुख्य किस राज्य का लोकनाट है बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, भवाई हो जाएगा गुजरात का है, लेकिन राजस्थान के दक्षिणी जिलों में किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात का। अगला देखिए यहां पर, बंसीधर भाट किस लोकनाट के प्रमुख कलाकार है, रंबत, नौटंकी, तमाशा या फिर कन्हैया ख्याल। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तमाशे से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, जानकी लाल ने किस लोकनाट्य कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई बताइएगा।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो स्वांग रचा जाता है, स्वांग जैसे नहरों का स्वांग और किसी गिद्ध का स्वांग, किसी भी जानवर का स्वांग रचते हैं यानी कि रूप धारण करते हैं यहाँ पर, ये स्वांग कहलाता है। तो ये कौन करता था? सबसे पहले जानकी लाल बैट, और इसने ही इस लोक नाटक को अपने विश्व स्तर पर पहचान दिलाई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला देखिए यहाँ पर, तमाशा लोकनाट्य सर्वप्रथम राज के किस रियासत में शुरू किए गए थे? तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अब देखिएगा आपके जो यहाँ पर संगीत है वो स्टार्ट होने वाले हैं, लोकनाट्य आपके कंप्लीट हो चुके हैं, लोक नृत्य आपके कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि दो कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब 48 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं यहाँ पर संगीत से संबंधित है, और ये आपको क्लियर करने होंगे यहाँ पर 48 क्वेश्चन। अभी वीडियो को छोड़ के मत जाना, अपने अंदर ऐसी चीजें मत बैठाओ कि वीडियो को आधा अधूरा देखे दोस्त। यहाँ पर जब तक आप वीडियो को कवर नहीं करोगे पूरे को, तब तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद नहीं होगा। तो चले स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर। देखिएगा राजस्थान के प्रमुख लोक संगीत एवं लोकगीत, तो सबसे पहला देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? बताना होगा कौन थी वो। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्लाह जिलाबाई को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध महिला थी, कौन सी थी? बताइएगा किसको 1982 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था? बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्लाह जिलाबाई को दिया गया था ये। अगला देखिए यहाँ पर, महारी बरसा ले री मुमल हाले ने आलिंजे देख लोकगीत किस क्षेत्र का है? बताना होगा सही आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जैसलमेर में गाया जाता है, और ये कौन पर आधारित है? ये ब्रह गीत है, ध्यान रखना, और ये मूमल पर आधारित है, मूमल और महेंद्र की कथाओं पर आधारित है ये। कौन सा? महारी बरसा ले री मूमल हाले ने आलीजे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, सोवटिया लोकगीत का संबंध है, बताना होगा किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सोवटिया लोकगीत किया जाता है वो यहां पर गाया जाता है भील स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, और भील स्त्री कहां पर किया जाता है? दक्षिणी राजस्थान, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इन जिलों में ये नृत्य किया जाता है। अगला देखिए यहां पर, भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, कौन सा है? लोकगीत है यहां पर थोड़ा, तो बताइएगा सोवटिया है, सोपना है, यहां पर झुरावा है, या फिर हमसीटो है? तो देखिएगा यहां पर प्रश्न पर, यहां पर अगर गौर करें ना, लोकगीत, लोक संगीत और लोकनाट, अगर प्रश्न पर थोड़ा सा गौर करें तो आपके सामने आंसर ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। अब देखिएगा यह है कि यहां पर प्रश्न में क्या दे रखा है कि ऐसा गीत जो कि साथ में मिलकर किया जाता है, तो देखिएगा हम का मतलब है हम साथ साथ, सीटो यानी कि ये लोकगीत दोनों मिलकर गाते हैं, हम सीटो यानी कि सभी मिलकर गाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, लांगुरिया लोकगीत है, बताना होगा करेक्ट आंसर, कौन सा है लांगुरिया लोकगीत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये भक्ति हो जाएगा, भक्ति गीत हो जाएगा लांगुरिया, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, करौली के मेले में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, लांगुरिया गीत का संबंध है, बताना होगा किस देवी से संबंधित है? तो ये भक्ति गीत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैला देवी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लांगुरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर कैला देवी मंदिर करौली में यह गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, पटेलिया बिछिया बे लालर क्या है, यह बताना होगा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे आपके यार के राजस्थान के लोक गीत हो जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर, जो लालर एक वस्त्र भी है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, पावणा गीत कब गाया जाता है, बताइएगा पावणा गीत कब गाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ससुराल में जमाई के आगमन पर ये पावणा गीत गाया जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अक्सर ये पश्चिमी राजस्थान की महिलाएं सबसे ज्यादा इसको गाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पंडित जसराज का संबंध है, बताना होगा किस राज घराने से संबंध रखता है, कौन? पंडित जसराज, तो ये संगीतक था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेवाती राजघराने से संबंधित है। अगला देखिए यहां पर, नृत्यों की कथक शैली का आदिम घराना है, कौन सा है आदिम घराना, बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर, और नवीनतम घराना अगर आपसे पूछे तो नवीनतम लखनऊ हो जाएगा और आदिम घराना जयपुर हो जाएगा।
अगला देखिए यहाँ पर, राग मंजरी एवं राग माला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पुंडरिक विट्ठल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राग मंजरी के रचयिता कौन थे? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है पुंडरिक विट्ठल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचारक है? तो यहां पर इन लोकगीतों से क्या होता है, किस भावना का प्रचार होता है, किस भावना का उदय होता है बताइएगा, उमंग का, वियोग का, हृदय की पीड़ा का, या फिर समस्त वर्ण विकल्प सही है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपयोग सभी, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर गबरी देवी जिस गायन शैली से संबंधित थी, बताना होगा किससे संबंधित थी, तो ये एक मांड गायिका थी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताएगा? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सावन के महीने में तीज गाया जाती है, तीज गाई जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लड़के लड़की की शादी पर मामा के द्वारा भात भरे जाने पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी जानते होंगे, मायरा भात भराया जाता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी 30 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर मोमल और महेंद्र की प्रेम कथा किस लोकगीत में दर्शाई गई है? बताना होगा सही आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोमल लोकगीत में, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर ढोला मारू लोकगीत किससे संबंधित है बताइएगा? तो ढोला मारू का जो संबंध है वो देखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ढोला और मरवन की प्रेम कथाओं पर, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है यहां पर श्री कृष्ण तथा श्री राम भक्ति में गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है? बताना होगा सही आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा हरजस कहा जाता है, जो भक्ति गीत होता है वो हरजस होते हैं, हरजस गीत कहा जाता है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर तेजा गीत गाया जाता है, कब गाया जाता है तेजा गीत बताइएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसान के द्वारा हल जोतते समय, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नायक द्वारिका नायिका को बुलाए जाने पर कौन सा गीत गाया जाता है बताइएगा? लांगुरिया, लावणी, गढ़गीत या फिर झरोदा? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लावणी गीत गाया जाता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर शेखावाटी क्षेत्र में मृत्यु के अवसर पर गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है बताइएगा? हरजस, हमसीटो या फिर लावणी या फिर विदाई? तो इसका जो गीत है ये हरजस है, ये भक्ति गीत के नाम से भी जाना जाता है, यहां पर ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको मंदिरों में भी गाया जाता है और शब यात्रा के दौरान भी गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर धूमली राजकुमार जेठवा तथा आमदाचारण की बेटी उजली का संबंध किस गायन शैली से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर जेठवा उजली से संबंधित है, ये गायन शैली है कौन सी? जेठवा उजली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर अगला है मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश का कौन सा लोकगीत भीलनी स्त्रियों के द्वारा पति के लिए संदेश के रूप में गाए जाने वाला गीत है? कौन सा गीत है बताइएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो सुवटिया गाया जाता है ये गीत है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर मांड गायकी पर आधारित ब्रह गीत जिसे पत्नी पति को संदेश भेजती है कौन सा गीत है बताइएगा? सबसे फेमस है पश्चिमी राजस्थान में कुर्जा कागा मूमल या फिर केसरिया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कुर्जा लोकगीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर मूमल लोकगीत किस क्षेत्र की राजकुमारी के जीवन पर आधारित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर की राजकुमारी मूमल से संबंधित है। अगला देखिए, यहां पर हॉलर के गीत संबंधित है, बताना होगा जो हॉलर के गीत गाए जाते हैं वो कब गाए जाते हैं? विवाह पर, बाल विवाह प्रथा पर, या फिर दूल्हे की विदाई पर, या फिर बालक जन्म उत्सव पर? तो ये जो गीत गाए जाते हैं बालक के जन्म उत्सव पर गाए जाते हैं, कौन से? हॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर उड़ उड़ जा रहा मारे काले कागरा मारा पिया जी घर आवे, इस लोकगीत का मुख्य रूप से प्रतीक माना जाता है बताइएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो देखिएगा इसका आंसर प्रश्न में ही छिपा है दोस्तों यहां पर, अगर ध्यान दोगे तो देखिएगा कोवा का है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, डुवन खिल्लो लांगुरिया का संबंध किस लोक देवी से है, बताना होगा सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, कैला देवी के मेले पर ये गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कामना गीत गाए जाते हैं, कामना गीत कब गाए जाते हैं बताएगा, तो सभी का इसका सही आंसर हो जाएगा वर को जादू टोने से बचाने के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं, कामना गीत गाए जाते हैं। अब ये कामना गीत कहाँ गाए जाते हैं देखिएगा, कामना गीत गाए जाते हैं अपने भील जनजाति, गरासिया है, सहरिया है, डामोरिया है, कथौड़िया है, इन जनजातियों के द्वारा ये अभी भी प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजपूताने का वह प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें ऊंट के श्रृंगार का वर्णन मिलता है बताएगा, तो आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गोरवंद, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गोरवंद गीत है, और गोरवंद एक आभूषण भी है, ध्यान रख लेना ऊंट का आभूषण है गोरवंद, जो कि मैंने आपको कल बताया था। अगला देखिए यहां पर, प्रसिद्ध लोकगीत कुकड़ी निम्न में से रूप में गाया जाता है, कब गाया जाता है ये कुकड़ी, कुकड़ी यहां पर जो लोकगीत है वो कब गाया जाता है बताएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रात्रि जागरण के समय, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से दुपट्टा लोकगीत गाया जाता है बताइएगा सही आंसर, तो दुपट्टा गाया दुपट्टा गाया जाता है दुल्हे की साड़ियों के द्वारा गाया जाता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरजस है, अभी मैंने हरजस के बारे में आपको बताया था, तो ये जो हरजस है ये यहां पर भक्ति गीत हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पछिड़ा नामक लोकगीत किसके द्वारा रचित है, ऑप्शन आपके सामने है, तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मणिकलाल वर्मा के द्वारा, जब बिजोलिया आंदोलन का अंतिम दिन था यहां पर, समाप्त किया गया था बिजोलिया आंदोलन, उस समय यहां पर मणिकलाल वर्मा ने पछिड़ा नामक लोकगीत गाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिकलाल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्न में से शुभ कार्य करते समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है बताएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भदावा गीत गाए जाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, बारात का डेरा देखने के प्रसंग में वधु पक्ष की स्त्रियों के द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जला जलो, ये गीत है जला जलो, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में संबंधित है बताइएगा सही आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दौसा सवाई माधोपुर में ये यहां पर हेला गीत गाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान के अभ्यर्थियों को इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन दौसा सवाई माधोपुर करौली भरतपुर इन जिलों के जो भी अभ्यर्थी है उनको इनके बारे में अच्छे तरीके से पता है, जानते भी है इन गीतों को, हर स्टूडेंट लगभग सभी स्टूडेंट इनको जानते हैं। यहाँ पर रसिया है, कन्हैया ख्याल है, ये सभी हेला ख्याल है, ये गाए जाते हैं रंगमंच पर गाए जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इंडोनी पणिहारी लोकगीत मुख्य रूप से किस जाति के द्वारा गाए जाते हैं बताइएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कालवेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, बेटी की विदाई के समय गाए जाने वाला लोकगीत है कौन सा है बताना होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ओलियो गाए जाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, जिस लड़की का विवाह तय हो गया लेकिन विवाह में देरी हो रही है उस समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है, ध्यान रखना थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है यहां पर, प्रिंटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है दोस्तों, यहां पर विवाह है ध्यान रखना, विवाह में देरी हो रही है तो उस समय वो कौन सा लोकगीत गाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरिया गाया जाता है, ऑप्शन बिल्कुल सही है सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, किस लोकगीत का संबंध हाड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है जिसमें एक स्त्री जिसे बिच्छू ने डस लिया और वह मरने वाली है, तो वो कौन सा लोकगीत गा रही है बताइएगा इसका सही आंसर, बिछुड़ा सोवटिया भावना या फिर कुकड़ी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिछुड़ा गाती है। अब बिछुड़ा गाती है तो बिछुड़ा गाने का क्या तात्पर्य है उसका, उसका तात्पर्य कि उसके बिच्छू के डस जाने से उसकी मृत्यु हो जाएगी निश्चित है, तो वे अपने पति को ये संदेश देना चाहती है कि इसके डसने से आप दूसरा विवाह कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्न में से घोड़ी गीत गाया जाता है, कब गाया जाता है घोड़ी, देखिएगा आंसर प्रश्न में ही छिपाया अगर आप गौर करोगे तो
तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दूल्हे के विवाह के अवसर पर निकासी के समय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला देखिएगा, राजस्थान में भाट जाति का प्रमुख कार्य कौन सा है? भाट जाति का जो प्रमुख कार्य हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विभिन्न परिवारों की वंशावलियों का उल्लेख करना, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पीपली लोकगीत निम्न में से किस क्षेत्र में गाया जाता है बताएगा? तो आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा सेकवाटी और मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है पीपली, बीकानेर में, चूरू में, जोधपुर में, इन जिलों में यह गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर ससुराल में रह रही लड़की किस गीत को गाकर अपने पीहर वालों को याद करती है बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिरमी लोकगीत, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक चिरमी का पेड़ होता है, उस पेड़ के सहारे खड़े होकर इस गीत को अक्सर गाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिरमी लोकगीत हो जाएगा। अरे भाई हिचकी लोकगीत नहीं है, हिचकी लोकगीत हिचकी लोकगीत तो जब गाया जाता है कोई भी व्यक्ति अगर किसी को याद करता है तो वो हिचकी लोकगीत गाया जाता है, यह है चिरमी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और अंतिम क्वेश्चन है, मशहूर संगीतकार बिश्वमोहन भट्ट का जन्म स्थान है कहाँ है बताएगा? राजस्थान का रहने वाला था ये, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जयपुर का, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरह से आपके यहां पर 130 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं यहां पर, जिसमें आपने राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान के लोक नाट और राजस्थान के संगीत, यानी कि तीनों कॉन्सेप्ट आपने एक वीडियो में कवर कर लिया दोस्तों यहां पर। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों यहां पर। अब देख लेते हैं अंतिम जो वीडियो नंबर आएगा आपका, नेक्स्ट जो वीडियो नंबर आएगा 15वें नंबर का आएगा, वो कौन से कॉन्सेप्ट का आने वाला है देखिएगा। इन कॉन्सेप्ट को आपको कवर करना होगा, अब तक ये कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया है यहां पर। तो सबसे पहले हम सिलेबस में ही देख लेते हैं, तो देखिएगा सिलेबस में आपको राजस्थान की कला संस्कृति में यहां पर यह चीज दे रखी है। तो देखिएगा यहां पर राजस्थान की बोलियां यहां पर दे रखी है, हस्तशिल्प कला दे रखी है यहां पर, लोक देवी देवताएं दे रखी है, तो हम शायद इसमें लोक देवी देवताएं लेकर आएंगे दोस्तों यहां पर आप लोगों के लिए। राजस्थान के सांप्रदायिक, लोक देवी देवताएं, ये तीनों कॉन्सेप्ट एक वीडियो में मैं कवर करवाना चाहता हूं आप लोगों के लिए। टाइम बहुत कम है तो आपको अब बिल्कुल करना है, यहां पर एक एक कॉन्सेप्ट आपको कवर करने हैं। अभी 47 कॉन्सेप्ट, टोटल 47 कॉन्सेप्ट है, जिनमें से अभी यहां पर 15 कॉन्सेप्ट कवर हो चुके हैं, यानी कि 30% कोर्स आपका जनरल नॉलेज का कवर हो चुका है यहां पर, और बहुत जल्द आपका इसको मैं करवाने वाला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा, जाते जाते एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहां पर, और टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। आपका अपना जो टेलीग्राम है वो पिंकेश मीना राजस्थान जी के टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों यहां पर, उससे जरूर जुड़ जाइएगा आप सभी।